दोस्तों आईपीएल 2024 का आठवां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। दोस्तों एमआई और एसआरएस के बीच खेला गया मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। तो दोस्तों क्या कुछ रहा हैदराबाद और मुंबई के बीच खेले गए इस बेहद रोमांचक मुकाबले का पूरा हाल बताएंगे आपको इस वीडियो में, इस मैच की पूरी हाईलाइट पूरी विस्तार से पूरी डिटेल में। तो दोस्तों पूरे मैच का हाल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। उनका यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 270 रन बोर्ड पर लगाए थे, जो आईपीएल इतिहास का हाईएस्ट टोटल है। सनराइजर्स हैदराबाद को मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी हुई। मयंक अग्रवाल 5वें ओवर में 11 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के खिलाफ आउट हुए थे। पारी के 2रे ओवर में टीम डेविड ने ट्रेविस हेड का कैच छोड़ा था, जो मुंबई के ऊपर भारी पड़ा। ट्रेविस हेड ने 18 गेंदों में पहले अर्धशतक पूरा किया, फिर 24 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 62 रनों की पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने फिर शानदार खेल दिखाते हुए 16 गेंदों में अर्धशतक ठोका। अभिषेक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अभिषेक शर्मा ने 23 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 63 रन की शानदार पारी खेली। एलन मार्करम और हेनरिक क्लासे ने भी अपना कमाल दिखाया। हेनरिक क्लासे ने 34 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से 80 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं एडन मार्करम ने 28 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 42 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के सारे गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। हार्दिक पांड्या, गैरार्ड कोटजी और पीयूष चावला ने 1-1 विकेट लिया। वहीं रोहित शर्मा और ईशान किशन टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे, लेकिन टीम को पहला झटका 56 के स्कोर पर लगा। ईशान किशन 4वें ओवर में 13 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर शहबाज अहमद के खिलाफ विकेट गवा बैठे, जिसके बाद अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा पैट कमिंस के खिलाफ विकेट गवा बैठे। रोहित शर्मा ने 12 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 26 रन की पारी खेली। नमन धीर 14 गेंदों में 30 रन की पारी खेल 11वें ओवर में जयदेव उनादकर के खिलाफ आउट हो गए। तिलक वर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 15वें ओवर में पैट कमिंस के खिलाफ आउट हो गए। तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्कों की मदद से 64 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने 20 गेंदों में 24 रन बनाए। वहीं टीम डेविड ने 22 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 42 रन की नाबाद पारी खेली। 278 रनों का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस 246 रन बना पाई और सनराइजर्स हैदराबाद ने 31 रनों से जीत दर्ज की। हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस ने 4 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं जयदेव उनादकर के नाम 2 और शहबाज अहमद के नाम 1 विकेट शामिल रहा। दोस्तों यह रहा सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए आईपीएल 2024 का आठवें मुकाबले का पूरा हाल। तो दोस्तों आप भी इस संबंध में मेरा कमेंट जरूर करके बताइएगा।